नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में उपायुक्त सुशांत गौरव की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए भाजपा पार्टी से दो उम्मीदवार किरण बाड़ा व सतवंती देवी ने नामांकन भरा था, जबकि एक अन्य उम्मीदवार बसंती देवी ने भी अपना नामांकन अध्यक्ष पद के लिए, जिसमें मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई। मतदान के बाद हुए मतगणना में किरण बाड़ा को 8 वोट, सतवंती देवी को 7 वोट, वहीं बसंती देवी को 4 वोट मिले। इस आधार पर 1 वोट से किरण माला बड़ा अध्यक्ष पद के लिए जीत के रूप में चयनित हुई। देखिए, ये दोबारा जो जीत हुई है, ये मेरी जीत नहीं, जनता की जीत है। और मैं निश्चित तौर पर जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि जो कोरोना काल के कारण मैं जो काम नहीं कर पाई थी, और कोरोना काल के कारण हमारा जो स्थिति था बहुत अस्त व्यस्त हो गया था, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहती हूँ जो अधूरा काम जो बाकी है उसको मैं पूरा करूँगी। और ये जीत मेरी नहीं, जनता की जीत है और इसका श्रेय जनता को जाती है। और मेरी जिम्मेवारी बढ़ी है, मैं एक सेवक हूँ, सेवक रहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, जनता के हिसाब से मैं काम करूँगी और पूरी जनता को मैं हृदय से सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार व्यक्त करती हूँ। किसी तरह दुलार और स्नेह और प्यार मिलते रहे और जिम्मेवारी देते जाए ताकि हम लोगों का सेवा कर पाएँ। गरीबों का, पीड़ितों का, दलितों का मैं सेवा करते रहूंगी, ऐसा मैं विश्वास करती हूं। और मैं आप सबों को भी बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूं, बधाई आप सबों को भी देती हूं कि हमेशा आप सभी का भी सहयोग और दुलार प्यार मिला है। बहुत खुशी महसूस कर रही हूं और ये हमारी जीत नहीं है, जनता की जीत सरकार की। जितनी भी योजना होगी मेरा कोशिश रहेगी कि जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें और सही सही लाभ दें। और राजनीति के बारे में तो उतना हमें जानकारी नहीं है, पहला कदम है राजनीति का, लेकिन बड़े लोगों का जो दृष्टिकोण रहेगा और जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर विभाग जैसे और गांव-गांव तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे जो योजना भी आएगी। हाँ, जनता की सेवा के लिए हमें स्नेह और प्यार और आशीर्वाद और लाड दिया है, इसलिए जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम संयुक्ता देवी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।